कई कलाकार अपने रोल में ऐसी जान डाल देते हैं कि आप उन्हें हमेशा उसी रोल में जानने लगते हैं। एक्टर संजीत बेदी भी ऐसे ही टीवी कलाकार में से एक थे, जिन्होंने संजीवनी सीरियल में डॉक्टर ओमी जोशी का ऐसा किरदार निभाया कि आगे भी वो ओमी जोशी के रोल से ही ज़्यादा पहचाने जाने लगे। कई दर्शक सिर्फ डॉक्टर ओमी का किरदार देखने के लिए ही संजीवनी सीरियल देखा करते थे। वैसे तो संजीत बेदी ने कई जानी मानी सीरियलों में काम किया था, जैसे कि जाने क्या बात हुई, क्या होगा निम्मो का, कसौटी जिंदगी की, कोई जाने ना, साथिया और आहट। संजीत का जन्म 8 मई 1977 के दिन दिल्ली में हुआ था। बचपन से ही संजीत बहुत ही चुलबुले और फिल्मी किस्म के बच्चे थे। दोस्त बनाना इन्हें बहुत ही पसंद था। इनके घर ज़्यादातर दोस्तों का मेला लगा रहता था। संजीत की माता मोहिनी जी और बहन का नाम मंदिरा है। संजीत दोनों ही के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव रहते थे। संजीत की माता हमेशा से ही संजीत के फिल्मों के प्रति आकर्षण की वजह से चिंतित रहती थी, लेकिन संजीत हमेशा उन्हें मना ही लिया करते थे एक प्यारा सा हक देकर। अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद मॉडलिंग का रुख कर लिया, तब से कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मॉडलिंग में अपना करियर शुरू करने के बाद संजीत मुंबई आ गए, जहां उनकी मुलाकात रेखा भाटिया से हुई। मुलाकातें प्यार में बदली और दोनों ने शादी कर ली। संजीवनी, जाने क्या बात हुई, थोड़ी सी ज़मीन, कसौटी जिंदगी की जैसी सीरियलों में काम करके संजीत एक के बाद एक सफलता हासिल करते रहे। संजीत ने बालाजी टेलीफिल्म्स के कई शोज़ किए थे। काफ़ी अच्छी चल रही जिंदगी ज़्यादा दिनों तक ना चल सकी, अफसोस। संजीत रीकी मेडिटेशन सीख रहे थे और काफ़ी एनजीओस के साथ मिलकर सोशल वर्क भी करते थे। तकरीबन 35-36 साल की उम्र में संजीत को गंभीर मलेरिया हुआ और उससे उभरने में काफ़ी समय लग गया। उसी दौरान उन्हें ब्रेन इन्फेक्शन हुआ, जो ठीक ही नहीं हो रहा था। उसे ठीक करने के लिए संजीत को डॉक्टरों ने ब्रेन डेड करके कोमा में भी कुछ दिनों तक रखा, लेकिन उसका इलाज ना हो पाने की वजह से संजीत ने 30 जून 2015 को सिर्फ 38 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़ दी। अपनी छोटी सी जिंदगी में कई यादगार किरदार निभाकर अपने फैंस के दिलों में अमर हो गए संजीत बेदी। फिल्मी दुनिया की ऐसी ही जानकारी पाने के लिए और अपने पसंदीदा कलाकारों की लाइफ जानने के लिए जुड़िए फिल्मी तराना चैनल के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है काम करने का। काम पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।